गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कितनी तेज धूप है, कितनी तेज धूप है, अक्टूबर का महीना, इतनी तेज धूप, इतनी तेज धूप। थोड़ा सा ठंडा नहीं हो सकता माहौल, इतना गर्म करके रखा हुआ है। आई थिंक आपको शायद लोकेशन देख के पता लग गया होगा कि आई एम नाउ इन दिल्ली। मैं कल दोपहर को पहुंचा हूं यहां पर। क्यों पहुंचा हूं? बिकॉज अब कुछ दिन में प्रखर को जो है अपने घर जाना है किसी काम से, सो आई हैव टू गो बैक। एंड बिफोर गोइंग बैक आई थॉट कि यार दो दिन मैं अपने मम्मी पापा के पास यहाँ पे रुक जाता हूँ, एंड देन फ्रॉम हेयर आई विल गो टू बॉम्बे। ये है कहानी अभी तक की। तकरीबन 8:30 बज चुके हैं। बहुत अजीब सा सपना आया था एक्चुअली, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एटम और मिस्ट्री से रिलेटेड सपना था। इतने दिन हो गए ना एटम और मिस्ट्री से दूर है। बेसिकली हुआ ये कि जो सपने में ना, जैसे कई सारी हाई राइज बिल्डिंग जैसे जहाँ पे हम रहते हैं, वो भी एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है ना, 27-28 फ्लोर की, तो ना ऐसा ना बहुत बड़ा अर्थक्वेक टाइप कुछ आ रहा है। और तो सपने की स्टार्टिंग में मैं भी नीचे हूँ, ज्योति पता नहीं कहाँ है और बच्चे ऊपर है। तो सपने की शुरुआत में क्या होता है, अर्थक्वेक टाइप होता है, धड़ 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 करके ना सब कुछ हिलने लग जाता है, गिरने लग जाता है सब कुछ। जैसे इंसेप्शन मूवी में दिखाते हैं ना वो बिल्डिंग्स गिरती हुई, वैसा हो रहा होता है। तो हमारे घर की जो आउटर लेयर होती है ना वो गिर जाती है। अब उससे क्या होता है, बच्चों को जैसे वो बालकनी का, जैसे ये दरवाजा है ना बालकनी का, इसके इसको आप खोलोगे तो नीचे की तरफ सीधा भाई साहब, अगर आप गिरे तो गिरे। अब बच्चों को इस चीज़ की समझ नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, मेरी नज़र जाती है तो एटम आधा लटका हुआ है। मैं आपको बता नहीं सकता मेरे सपने में हालत ख़राब होगी भाई। वो बेचारा कोशिश कर रहा चढ़ने की, मेरी नज़र पड़ती है, मैं एटम, और मैं भागता हूँ। इतनी देर में एटम फिसल जाता है और एटम आगे ना नीचे गिर जाता है। वो नीचे गिरता है ना, वो हिलता नहीं, वो मर जाता है। मैं ऐसे शॉक हूँ मैं बिल्कुल, और उसको मैं देख रहा हूँ। इतनी देर में वापस ऊपर नजर आ रही, देखता हूँ कि मिस्टी भी ऊपर से, वो सोच रही कि शायद एटम कूदा तो उसको भी कूदना है। एंड मिस्टी जंप्स फ्रॉम देयर। मिस्टी जैसे ही कूदती है, मिस्टी को तो मैं किसी तरह अपना हाथ लगता है, मेरे हाथ पे लग के वो नीचे गिर जाती है। वो बस लंगड़ा लंगड़ा के बच जाती है, वो चलने लग जाती है। लेकिन एटम मेरा ना ऐसा होता है कि यार क्या है मेरा एटम, एटम को देख रहा हूँ मेरी हालत ख़राब। मिस्टी को मैं प्यार कर रहा हूँ कि चल मिस्टी तो बच गई। इतनी देर में एटम ना ऐसे ना, जैसे अगर एटम सो रहा होता ना, जैसे आपने वीडियो में देखा, अगर वो हिल के उठता नहीं वैसे हिल के उठ जाता है एटम। फिर मैं अपने दोनों बच्चों को गले से लगाता हूँ। इतनी देर में आँख खुल जाती है। ऐसे सपने आते तो कहते हैं कि जिसके लिए भी आप ये सपने देखते हैं उनकी लंबी उम्र देखी होती है। इसलिए भी हो सकता है बिकॉज अब कितने दिनों से हम लोग अपने बच्चों से दूर हैं इधर है। एंड आई एम श्योर दैट यू गाइज अंडरस्टैंड दैट ज्योति इज स्टिल देयर इन चंडीगढ़ विद हर मॉम। थोड़े दिन बाद शायद ज्योति वापस आ जाए, बिकॉज 24 को करवा चौथ है, 25 को मेरा बर्थडे भी है। तो लेट्स सी, वील प्लान स्लोली स्लोली एवरीथिंग। एक्चुअली वी डोंट प्लान एनीथिंग एनी मोर, बिकॉज गॉड हैज़ ग्रेटर प्लान्स। गजब सरप्राइज वाली बात है। आज मैं इतने दिनों बाद, लाइक हम जब छोटे थे तो डेफिनेटली पापा बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली कुक करते थे, लेकिन अब आई नहीं कितने साल बाद पापा किचन में घुसे यार। पापा कितने टाइम बाद घुसे हो आप किचन में? कभी कभी हेल्प करा देते हैं मम्मी की। तो आज डैड बना रहे हैं गोभी, आलू, और ये पापा की क्या ग्रेवी तैयार हो रही है, मसाला तैयार हो रहा है पापा, ग्रेवी तैयार हो रही है। खुशबू कैसे लग रही है? खुशबू तो बहुत अच्छी लग रही है। तो एक्चुअली मुझे याद है बचपन में ना पापा ज्यादातर चिकन बना के खिलाते थे हम लोगों को, याद है? लाल करी वाला बना दो हमारी रिक्वेस्ट आती थी मेरी और दिनेश की, मेरे भाई की, और पापा को बनाते थे। आज पापा पता नहीं भी क्या हुआ। मगर सबसे ज्यादा खुश इस वक्त मेरी मम्मी है। नवरात्रे चल रहे ना एक्चुअली, और मम्मी सारे फास्ट रखती है। मैंने पहले दो फास्ट रखे, फिर मैं यहाँ पे आ गया था, तो फिर मैंने कहा यार इफ आई एम होम आई वुड नॉट वांट टू मिस माय माँ के हाथ का खाना, और मम्मी के हाथ के खाने के साथ साथ मुझे पापा के हाथ का खाना भी मिल रहा है, वाह। मुझे आज गोभी डल चुकी है, ग्रेवी पापा ने पहले तैयार कर ली थी, मसाला बोलते हैं इसको ना। कैसा लग रहा है पापा आपको? नॉर्मल। मेरे पापा यानी तुम्हारे दादाजी कहते थे सब्जी किसी भी चीज की हो नमक मिर्च ठीक होना चाहिए। आई थिंक ये वीडियो मेरे चैनल पे मेरी मोस्ट फेवरेट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में मेरे ब्रदर, मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई मेरे साथ है। सो ज्योति के चैनल पे एक वीडियो आई है जिसका नाम है Who Knows Me Better, Husband और My Brother। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना अभी तक, तो प्लीज ज्योति के चैनल पे जाओ और वो वीडियो जरूर देख लेना। नाश्ता हो गया तैयार, ये अपने सादे पराठे, ये आलू गोभी की सब्जी, दही, टेस्ट करके देखते हैं सब्जी कैसी बनी है। वाह डैडी वाह, क्या हाथ है आपके, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया, मम्मी एकदम फर्स्ट क्लास। कर दो बंद। अरे तुझे पड़ेगा ये हाथ, ये हाथ पे इतना अंदाजा है हर चीज का, कोई चीज दोबारा डालने की जरूरत नहीं। Hi, what's up? Hello. Hi, Jeju. Hi, beta. How are you? अनन्या इज 9 years old।
And then have you started going to school now? Well, I went on last Thursday, October 7th. But I'm not sure we might go again. It was just for one fun day, you know. Okay. So it is your choice, na? Whether you want to go not or not. Exactly. Didi says that we might meet in November again. Okay. November. And what about exams? Well, I'm only in 4th. Only in 4th. And dance class? What about dance class? Dance class, too, I'm taking a break off. But you're working out in the house only? No, but I do play music and dance. Music and dance. Myself. And now Ananya and I are going to play cricket. Ananya has been promised that when she turns 14, she's going to get a dog. Which breed are you getting, Ananya? I'm planning on getting a Shih Tzu. Shih Tzu. And Ananya is telling me that she's getting dreams about having a dog now. Yeah. Right? What was the dream all about? Tell me. So, the dream that I was having in the night, it was like basically my dog was with me and I was only 9. Hmm. And I had the dog. Were you in the dream? Were you cleaning his susu potty? I was in the dream. But will you clean his susu potty? Yeah, myself. By yourself? Are you sure? You promise? Mm-hmm. I've seen a lot of kids who promise they will clean it. But when the time comes, they run away from their responsibility. My mom and papa will help me when I'm stuck. But you will learn and then you'll do it yourself, right? Mm-hmm. And we have reached the cricket stadium. And then I think we should enter from there. बहुत अच्छा मौसम हो रखा है यार. वो देखो. वो देखो. Sun is about to set. I think this is the golden hour as we call it. हम लोग शायद 30-45 minutes maximum एक घंटा तो आराम से खेल पाएंगे. Okay. So this is day two क्या यार बस मतलब अब तो मेरे को निकलना है थोड़ी देर में because मैं flight से नहीं मैं train से जा रहा हूँ इस बार because मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा सामान हो गया है train is much better और convenient है अगर आपके पास सामान थोड़ा ज़्यादा है plus suitcase पूरा full pack है full pack एकदम so this is the suitcase ये पूरा full हो रखा है सामान से और एक वो वाला bag है जिसमें अभी खाने का सामान वगैरह आएगा मेरी ट्रेन जो है वो निकलेगी 4:55 पे एंड आई विल रीच एट बोरीवली स्टेशन टुमारो एट 7:30 अप्रॉक्सीमेटली और वहाँ से मुझे घर पहुँचने में एक घंटा लगेगा टाइम ऐसा होता है कि जब आप चाहते हो ना टाइम को कि थोड़ा सा स्लो बीते तब बहुत जल्दी बीत जाता है और जब आप चाहते हो कि थोड़ा जल्दी निकल जाए टाइम तो आराम से अपना टाइम लेके पास होता है टाइम तो यही हुआ है मेरे केस में भी अभी मैं घर हूँ मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा दिन और रुकूँ पर रुक नहीं सकता अभी लंच करके नहा धो के यहाँ से निकलेंगे वही मेरी मम्मी है एज यूजुअल जब भी मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ तो मम्मी लग जाती है अपना क्या बनाने में भी चूरमा चूरमा बनाने में ये हमारी आंटी ये ऊपर रहती है वो मम्मा की हेल्प कर रही है चूरमा बना रही हूँ ये हर बार का है मतलब जब भी मैं आया हूँ यहाँ पे वाइल आई एम लीविंग तो मॉम जो है जाने से पहले एटलीस्ट 2 दिन का चूरमा बना के रखती थी मेरे लिए हाँ छोड़ दिया हमने माता श्री आ गया फिर चलो आशीर्वाद दे दो आज फिर मिलते हैं जल्दी ठीक है ध्यान रखो पापा का चले पापा रेडी आप ओके। ये एक सूटकेस हो गया अपना ये दूसरा बैग हो गया हाँ अम्मी ध्यान से लेके जाना हाँ हाँ सब ले लिया ध्यान से जल्दी मिलता हूँ आप लोग अपना ध्यान रखो बाय बाय बोल दो कैमरा पे भी आज तो जरूरत से ज़्यादा भीड़ थी आज स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी मतलब अब आई कैन टेल यू समहाउ आई मैनेज टू रीच इन द ट्रेन ऑन टाइम अब मैं सेटल हो गया हूँ बैठ गया आराम से एंड नाउ आई एम जस्ट वेटिंग थोड़ा सा ट्रेन और स्पीड पकड़ेगी ना उसके बाद चाय वाला आएगा तो एक चाय पियेंगे What's up? It's 6:43 हो गया है इधर एक घंटा बाकी है बोरीवली स्टेशन आने में बहुत मस्त नींद आई डिनर जो था डिनर मैंने प्री बुक कर लिया था
Now there is an option to pre-book meals if you're traveling by train. What an amazing food! लेकिन कल रात को मेरे सोने से पहले आसपास वाली जितनी भी सीट्स थी ना सब सो गए और जो खर्राटों का कंपटीशन चला है, जो कंपटीशन चला है खर्राटों का गजब। मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वो सुना दे। मेरे पापा को भी हैबिट है खर्राटे मारने की, इसलिए आई एम यूज्ड टू दिस स्नोरिंग। Behold, ladies and gentlemen, I have reached. Time आ गया मेरे बच्चों से मिलने का। Oh God, मेरे बच्चे मुझे बहुत याद आए वहाँ पे। कैसा है मेरे भाई? कैसा है मेरे भाई? मेरा भाई। ओए ओए जी, हाय जी, हाय मेरा पापा, मेरा मामा, मेरा बाबा, मेरा मामा। बालकनी में वो आज मेरे को ऐसा घूर के देखना जब मैंने इसको बंद किया तो कि तू तो गया। मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा छोरा, मेरा बाबा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरी छोनी बापू हट जा, मारिए हट जा, आइटम गया सुनो भी। मेरी छोनी, हाँ जी हाँ जी, मेरी छोनी कुछ ही बहुत सारी।
से बस शिकायत लगा रही है। हाँ बस एकदम क्वाइट नाउ सॉर्टेड यस ओके आई नो इट्स ओके नो मोर लव सी एटम ही गॉट इज लव इज क्वाइट। अभी प्रखर तूने मेरे पीछे से वेयर हाउस खोल लिया ये क्या है इतने सारे भाई देखो प्रखर ने हमारे पीछे से बिजनेस शुरू कर लिया नया वेयर हाउस खोल लिया। आई एम होम अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ प्रखर तेरे लिए मम्मी के हाथ का चूरमा और मिठाई लेकर आया हूँ विल हैव टी कॉफी मम्मी ने स्पेशली बोला था जाके मेरे छोरे को खिला दियो इतने दिन मेरे बच्चों का ध्यान रखा उसने मैं कहा ठीक है मम्मी बिल्कुल आई एम गोना सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टे हैप्पी स्टे सेफ। ओह वाह ये तो ज्योति वाला था।